आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप अपने वन प्लस फोन में कोई ऐप ओपन कर रहे हैं, कोई भी ऐप ओपन कर रहे हैं, तो ये आता है कीप्स स्टॉपिंग, तो ये एरर अपने फ़ोन में ठीक कैसे करें। तो अपने फ़ोन में सेटिंग्स ओपन करने के बाद नीचे आइए, नीचे आकर ये ऐप्स आएगा, ऐप्स पे क्लिक करिए। ऊपर अब ये ऐप मैनेजमेंट आएगा, ऐप मैनेजमेंट पे क्लिक करिए। ऐप मैनेजमेंट में आने के बाद यहाँ पे आपके फ़ोन के सारे ऐप आ रहे हैं। अब नीचे आइए, नीचे आएंगे तो आपके फ़ोन में ये गूगल प्ले सर्विसेज आएगा, तो ये प्ले सर्विसेज पे क्लिक करिए। ऊपर अब ये फोर्स स्टॉप आएगा, इस पे क्लिक करिए। नीचे फिर से फोर्स स्टॉप करिए, उसके बाद नीचे स्टोरेज यूसेज पे क्लिक करिए, क्लियर कैशे करिए। ऊपर अब ये मैनेज स्पेस पे क्लिक करिए, नीचे आइए क्लियर ऑल डेटा करिए। ऊपर ये डिलीट या फिर ओके आएगा, तो इस पे क्लिक करिए। ये करने से कोई डेटा या फिर कोई ऐप डिलीट नहीं होता है। तो ये सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद बैक आइए, बैक आने पर आपको मिलेगा सेटिंग्स, तो यहाँ पे नीचे आइए और ये जो सेटिंग्स आएगा सेटिंग पे क्लिक करिए। ऊपर फोर्स स्टॉप करिए, नीचे इस पे क्लिक करिए और नीचे आकर स्टोरेज यूसेज पे क्लिक करिए, नीचे क्लियर कैशे करिए। और ये सेटिंग्स अप्लाई करने के बाद अपने फ़ोन को बंद करके चालू करिए या फिर अपने फ़ोन को रीस्टार्ट करिए। और अब चेक करिए, ऐप ओपन हो रहा है, यहाँ पे कीप्स स्टॉपिंग नहीं होगा। तो इस तरीके से आप ये प्रॉब्लम ठीक करें। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।